लास्ट क्लास में हमारा था कि हम पढ़ने वाले थे सीमेंट को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं। तो हमने सीमेंट के मेन कंस्टिट्यूएंट्स पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद उसको सीमेंट का जब मेन कंस्टिट्यूएंट्स मिक्स करके उन्हें हीट करते हैं 1400 to 1500 डिग्री सेल्सियस के बाद एक किल्न में, एक भट्टी में, तो उसका हमारी क्लिंकर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उन क्लिंकर के चार मेजर जो कंस्टिट्यूएंट्स थे हमने वो भी बैठे थे देखे थे। C3A था, C4AF था, C3S था, C2S था, ठीक है। सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज थी और हमने वो सब कवर कर ली थी। अब हमारे को सीमेंट मैन्युफैक्चर जब होती है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, तो सबसे पहले क्या होगा, हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो सारा रॉ मटेरियल्स हम एक जगह लेके आएंगे, ठीक है। फिर सारा जितना भी रॉ मटेरियल्स है ना उनको बर्न करेंगे, फिर हर एक रॉ मटेरियल को ग्राइंड करेंगे, मतलब उनका चूरा करेंगे, ठीक है। फिर स्टोरेज करेंगे और पैकेजिंग करेंगे। चार तरह की प्रोसेस है, ठीक है। वैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट दो तरह से होती है, एक वेट होती है और एक ड्राई होती है। वेट कहने का मतलब है जिसमें पानी मिक्स होता है, ठीक है। और ड्राई क्या होता है, जिसमें पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग होती है एक सूखी होती है, उसमें पानी ऐड नहीं होता है। मतलब वैसे तो नेम ही सफिशियंट है बताने के लिए कि भाई एक वेट है एक ड्राई है, ठीक सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल होगा पहला प्रोसेस हमारा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या है ड्राई प्रोसेस स्टडी करते हैं, ठीक है। ड्राई प्रोसेस में हम सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मेन कंस्टिट्यूएंट क्या था, लाइमस्टोन हमारा CaO था, तो सबसे पहले वो चाहिए। अब सिलिका ऑक्साइड था, सिलिका ऑक्साइड हमें पता था क्ले से मिलती है, तो दो तरह के मेन कंस्टिट्यूएंट है, एक कैल्सरस रॉक से मिलेगा और एक आर्जिलिशियस रॉक से मिलेगा, या बोल सकते हैं क्ले से मिलेगा या सैंड से मिलेगा, मिट्टी से मिलेगा। दूसरी चीज जो सिलिका है, और जो लाइमस्टोन हमें जो चाहिए, मतलब जो लाइम चाहिए वो हमें लाइमस्टोन से मिलेगा। तो दो तरह के रॉक हो गए, एक तो कैल्सरस रॉक हो गए और एक आर्जिलिशियस रॉक हो गए। इन दो रॉक से हमें एक रॉक से सिलिका मिलेगा और एक रॉक से लाइमस्टोन से लाइम सर मिलेगा। वॉइस ब्रेक करिए। सर आवाज नहीं आ रही है। तो पहला प्रोसेस है हमारा ड्राई प्रोसेस, ठीक है। तो हम लाइमस्टोन और आर्जिलिशियस रॉक्स, दो तरह के रॉक होते हैं, उनको मिला के पहले हमारे जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे एक में लाइम होता है और एक में सिलिका ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उनको क्रश करते हैं। उनको क्रश करके 25 mm की जो साइज होती है उस तक लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको क्या करते हैं, बॉल मिल में है ना फाइन ग्राइंड करते हैं। अभी किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या? सर अभी ठीक है ना, ब्रेक हो रही है वैसे ज्यादातर। उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको बॉल मिल में क्रश करते हैं, ठीक है। फिर उनको करेक्ट प्रोपोर्शनेट मिक्स करके उनके बाद उनकी प्री हीटिंग होती है, जैसे अब बताता हूँ आपको। जैसे सबसे पहले हम लाइमस्टोन क्वेरी से हमारे क्या होगा, एक्सकवेटर से हमारा जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगा लाइमस्टोन या आर्जिलिशियस रॉक्स उसको लेके आएंगे। फिर क्या करेंगे, हम लाइमस्टोन रॉक्स को क्या करेंगे, उनको 25 mm के साइज तक ब्रेकआउट करेंगे, तो फाइन ग्राइंड लाइमस्टोन लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उन दोनों को ग्राइंड करने के बाद में दोनों को प्रोपोर्शनिंग इक्विपमेंट में अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से मिक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद उनकी दोबारा ग्राइंडिंग होगी दोनों पार्टिकल्स की, ठीक है।
उसके बाद उनको ले जाया जाएगा एक प्री हीटिंग टावर में, उनको पहले 800 से 900 डिग्री सेल्सियस तक पहले प्री हीट किया जाता है, ठीक है। अब प्री हीट करने के बाद क्या होता है कि इस प्री हीटिंग से जो भी आपका जो भी जो प्रोडक्ट आता है उसको हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। उसको स्टोर करने के बाद में क्या करते हैं, उनको दोबारा एक किल्न में दोबारा हम उसको सप्लाई करते हैं, मतलब दोबारा उसकी हीटिंग दोबारा करते हैं, और उसके बाद हम उसमें लास्ट में जिप्सम ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है उसको सीमेंट मैन्युफैक्चर हो जाती है। मतलब फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, लाइमस्टोन क्वेरी से रॉक ले रहे हैं और एक आर्जिलिसियस रॉक ले रहे हैं, दो डिफरेंट तरह के रॉक ले रहे हैं। फिर उनको क्या कर रहे हैं, दोनों को क्रश कर रहे हैं। एक क्रशिंग कितने तक कर रहे हैं, 2 to 5 सेंटीमीटर बोल लो या 25 mm साइज के रॉक्स तक कर रहे हैं। उनके बाद क्रशिंग करने के बाद में क्या करेंगे, उनके फाइन ग्राइंडिंग करेंगे। फाइन ग्राइंडिंग करते हैं बॉल मिल में। फाइन ग्राइंडिंग करने के बाद क्या होता है, उनको प्रॉपर जो प्रोपोर्शन है उसमें मिक्स करते हैं दोनों, जो हमारे रॉक आ गए दोनों को मिक्स करने के बाद में क्या करेंगे, उनको पहले प्री हीटिंग किया जाएगा 800 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। प्री हीटिंग करने के बाद में हम जो भी हमारा जो रॉ मटेरियल बनेगा उसको स्टोर करेंगे। उसको स्टोर करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको दोबारा हीट करेंगे। जैसे यहाँ पे पहले ये प्री हीटिंग टावर है, ठीक है, उसके बाद में किल्न है जिसको हमने दोबारा हीट किया है, फिर हमने यहाँ पे इसको ठंडा किया है, और उसके बाद दोबारा हमने लास्ट में जाते जाते जिप्सम ऐड किया है, ठीक है। और उसके बाद में हम दोबारा उसको ग्राइंड करेंगे लास्ट में क्योंकि हमने लास्ट में जिप्सम ऐड किया, उसके बाद हम दोबारा उसे ग्राइंड करेंगे और फिर हम उसे स्टोर कर लेंगे, और स्टोरेज यूनिट के बाद में हम उसे कट्टों में उन्हें सप्लाई कर देंगे, ठीक है। मेजर प्रोसेस कुछ ही नहीं है। सबसे पहले क्या किया हमने, क्रश किया। पहले तो हमने रॉक लिए, रॉक लेने के बाद उन्हें क्रश किया, क्रश भी एक सर्टेन साइज का किया, 25 mm हमने एवरेज साइज ले लिया। उसके बाद हमने उन्हें दोबारा क्रश करा, अब पाउडर फॉर्म में कर दिया। पाउडर फॉर्म करने के बाद में क्या किया, दोनों को प्रोपोर्शनेट मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या किया, दोनों को हीट कर दिया। हीट भी कैसे, प्री हीटिंग करी गई है जो 800 डिग्री सेल्सियस तक करी गई है। उसके बाद में हमने क्या किया कि उसके बाद में उन्हें स्टोर किया। स्टोर करने के बाद में हमने दोबारा उसे किल्न में लेके गए। उस किल्न से हमने क्या किया, उसको दोबारा 1400 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया। उसको हीट करने के बाद हमारे क्लिंकर फॉर्मेशन हो गई। फिर हमने क्लिंकर को कूल डाउन किया। कूल डाउन के बाद उसमें जिप्सम ऐड किया और लास्ट में उसे दोबारा ग्राइंड कर दिया। शिपिंग शिप, अरे भाई जो भी है, मतलब आपको शिपिंग मतलब कि भाई फाइनल प्रोडक्ट बन गया, अब उसको मार्केट में लेके जा रहे हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन को शिपिंग बोला गया यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब दिखा रहा है यहाँ पे शिपिंग, मतलब आपका प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट रेडी है यहाँ पे, अब आपको शिप कर दो जहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मार्केट में लेके जाने को, ठीक है। तो ये होगी पहली ड्राई प्रोसेस। अब ड्राई प्रोसेस पढ़ भी लेते हैं इसके हिसाब से बुक में क्या लिखा है। ड्राई प्रोसेस के बारे में इसने बोला है कि हम सबसे पहले लाइमस्टोन और चॉक एंड क्ले आर क्रश्ड इनटू गायरेटरी क्रशर टू गेट 2 to 5 cm ऑफ साइज। 2 to 5 cm का मतलब कि भाई एवरेज लेते हैं अपन 25 mm का साइज पीसेस हो गया। फिर क्रश मटेरियल को दोबारा ग्राइंड कर रहे हैं ताकि फाइन पार्टिकल में हो जाए, बॉल मिल में या ट्यूब मिल में। फिर ईच पार्टिकल आफ्टर स्क्रीनिंग स्टोर्ड इन ए सेपरेट हॉपर, ठीक है, हॉपर में दोनों को अलग अलग स्टोर कर लिया और उनको प्रोपोर्शनेट मिक्स से दोनों को मिक्स कर दिया। अब उन मिक्स को क्या करा हमने, साइलोज में स्टोर किया और उस स्टोरेज के बाद उसे पहले प्री हीटिंग प्रोवाइड करी, ठीक है। उसके बाद में प्री हीटिंग प्रोवाइड करने के बाद में हमने क्या किया, उसको दोबारा हीट किया, और दोबारा हीट करने के बाद में हमने उसमें क्लिंकर को कूल डाउन किया। क्लिंकर को कूल डाउन करने के बाद में जिप्सम ऐड किया। जिप्सम ऐड करने के बाद में क्या किया हमने, दोबारा उसको बॉल मिल में दोबारा क्रश किया, और दोबारा क्रशिंग के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। वेट प्रोसेस में क्या होगा, जैसे आप स्टार्टिंग में आप जो क्या बोलते हैं क्रशर के बाद में आप क्या बोलोगे, स्टार्टिंग में जैसे आपने इसको क्रश किया 25 mm के साइज में, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इसी जगह पे वाटर का एडिशन कर दोगे। यहाँ पे वाटर का एडिशन कर दोगे बस, बाकी पूरे को प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है।
लेकिन एक इसमें एक ये और होता है कि जब अपन प्री हीटिंग करते हैं तो उसमें हॉट एयर गैसेस रिलीज होती है, जो प्री हीटिंग की गैसेस होती है, जो हॉट एयर गैसेस, हम उनको दोबारा जो हमारा दोबारा जो मेन हीटिंग करते हैं 1400 डिग्री सेल्सियस पे, तो उन हीट गैसेस को दोबारा यूज करते हैं, मतलब पूरे जो मटेरियल है जो हमारा उसको हॉट रखने के लिए हम दोबारा जो है उन हॉट गैसेस का यूज करते हैं। अब वेट प्रोसेस जो है इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले कैल्सीरियस मटेरियल और आर्जिलिसियस मटेरियल, आर्जिलिसियस मटेरियल सिलिका मिलेगा, कैल्सीरियस मटेरियल से लाइम मिलेगा, ठीक है। जैसे कैल्सीरियस मटेरियल का स्टोन मिलेगा या लाइम स्टोन होगा, आर्जिलिसियस से क्ले होगा, ठीक है। क्रश किया हमने 25 mm के साइज तक, वाटर ऐड कर दिया, फिर दोबारा ग्राइंड कर दिया, ग्राइंड करने के बाद हमने इसको बिन में स्टोर कर लिया या साइलोस में स्टोर कर लिया या हॉपर में स्टोर कर लिया, जिसमें भी आपकी इच्छा करे। फिर मिक्सर में इनको मिक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद हॉट एयर किल्न से इसको पास किया, उसका जिप्सम ऐड किया, क्लिंकर फॉर्मेशन हुआ, और दोबारा फिर यहाँ पे एक ग्राइंडिंग का प्रोसेस फिर आएगा, और फिर उसको साइलो में स्टोर कर दिया। लेकिन क्या होता है, वाटर ऐड करने से क्या होता है कि जो मतलब क्या हीट रिक्वायरमेंट होती है ना, वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो ड्राई प्रोसेस में रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और अब आजकल वेट प्रोसेस तो ऑब्सोलीट हो गई है, ड्राई प्रोसेस ही आजकल यूज होती है, ठीक है। तो इसमें एक बार ये भी देख लेते हैं कि इसमें रॉ मटेरियल्स आर मैंने जिप्सम लास्ट टाइम भी बताया था कि जिप्सम को ऐड इसलिए करते हैं ताकि सेटिंग टाइम स्लो करने के लिए, ठीक है। ये हमने जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे थे, लाइम, सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसके बाद में जिप्सम, उसके बाद आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्कलीज, ये सब मेन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। तो इस तरह जिप्सम भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिससे हम जो है कॉन्क्रीट जल्दी सेटल ना करे, इसलिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी दो तरह की प्रोसेस, एक हो गया ड्राई प्रोसेस, दूसरा है वेट प्रोसेस। दोनों प्रोसेस में मेन डिफरेंस क्या है, एक में वाटर का एडिशन है और एक में वाटर का एडिशन नहीं है, ठीक है। अब कंपैरिजन दे रखा है कि भाई हार्डनेस ऑफ रॉ मटेरियल ड्राई प्रोसेस में ज्यादा होगा या फिर वेट प्रोसेस में ज्यादा होगा, तो ड्राई प्रोसेस में ज्यादा होगा क्योंकि डायरेक्टली ग्राइंडिंग हो रही है, उसमें वाटर प्रेजेंट होता है तो कई पार्टिकल स्लाइड कर जाते हैं। फ्यूल कंजप्शन क्या होता है, इसमें कम होता है ड्राई प्रोसेस में, उसमें ज्यादा होता है वेट प्रोसेस में, क्योंकि जो वेट प्रोसेस होता है उसमें सिर्फ एक बार ही हीटिंग प्रोवाइड होती है, ड्राई प्रोसेस में 2 बार हीटिंग प्रोवाइड होती है। और जो फर्स्ट वाली हीटिंग है उससे जो हॉट एयर गैसेस है ना, जैसे वो जब निकलती है तो उनको दोबारा ही एंटर करा लेता है जब आपका नया बैच आता है, मतलब जैसे ये मिक्सर आया, तो मतलब ये जो हॉट एयर जो है, मतलब क्या बोल सकते हैं, ठीक है, जो प्री हीटेड टावर होता है, ठीक है, मतलब जो हॉट एयर पहली बार हीट करने से जो रिलीज होती है उसको दोबारा सर्कुलेट करते रहते हैं, ताकि पहले से जो पार्टी जो मतलब हमारा जो मटेरियल आ रहा है वो दोबारा हीट 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 होता रहे अगेन एंड अगेन, ठीक है। मतलब जो किल में हमें उन्हें टेम्परेचर जो हीट करना पड़े वो इजिली हीट हो जाए, मतलब हॉट एयर का सर्कुलेशन रहता है उसमें, इसलिए जो एनर्जी जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। टाइम ऑफ प्रोसेस इसमें लेसर होता है, इसमें हायर होता है क्वालिटी, ठीक है। वेट प्रोसेस की सुपीरियर क्वालिटी होती है, ड्राई प्रोसेस की इंफीरियर होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ड्राई प्रोसेस का हाई है और वेट प्रोसेस का लो है। अब अगला हमारा जो है स्टेप आता है वो है बर्निंग।
मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल किया, दूसरा हमारा प्रोसेस आता है बर्निंग। बर्निंग इन कैरी डाउन ए रोटरी किल्न, मतलब एक जो किल्न जो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, ठीक है, हम उस किल्न में उनको बर्न करते हैं। इसकी रोटेशन की होती है 1 to 2 रोटेशन पर मिनट, ठीक है। अब इसकी डायमीटर दे रखी है, इसकी लेंथ दे रखी है, और ठीक है ये कोई एक ग्रेडियंट पे होती है, कोई स्लोप पे होती है, ठीक है, कि ताकि एक तरफ से मटेरियल आए, हीट हो, और दूसरी तरफ से इजिली निकल जाए, ठीक है। किसी मतलब किसी ह्यूमन की या फिर कोई अप्लायंस की जरूरत ना पड़े, कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट की, तू मतलब तू जो भी किल्न से रिमूव करने के लिए जो है मटेरियल फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब ये थोड़ा मेन है, ठीक है। अब हमें पता है कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है CaCOO3, मतलब लाइमस्टोन का जो फॉर्मूला होता है CaCOO3, ये लाइमस्टोन का फॉर्म होता है फॉर्मूला, ठीक है। जब इसको हीट देते हैं तो ये किस में डिवाइड हो जाता है, CaO, मतलब जो लाइम फॉर्मेशन होता है जो हमें चाहिए, प्लस CO2, ठीक है। अब ये जो CaO है ये SiO2 से मिलता है, तो हमें क्या बोलता है, C2S, जो हमारे डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, जो हमारे बाद की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। 3 times CaO प्लस CiO2 SiO2 है, ये क्या मिलेगा, ट्राई कैल्शियम, जो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए हमारे काम आता है। CaO प्लस Al2O3 डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये किस लिए काम आता है, ये अर्ली हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करने के लिए, मतलब जो फर्स्ट रिएक्शन करता है पानी के साथ वो डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट करता है, ठीक है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट होता है, ये भी जो है वाटर के साथ हाइड्रेशन प्रोसेस में हीट रिलीज करता है। ये 4 बताए थे, रिएक्शन याद नहीं करनी है, ये सब चीजें याद नहीं करती है, मेन प्रोसेस में होता क्या है, अब बर्निंग हो गई, ठीक है, अब उसके बाद में ग्राइंडिंग हो जाएगी, ठीक है, उसका स्टोरेज हो जाएगा, उसका पैकेज हो जाएगा, ठीक है। आपको ये याद करना है कि प्रोसेस में 4 पार्ट कौन से हैं, ये याद नहीं करना है कौन सी रिएक्शन उसमें हो रही है, ठीक है। अगर आप इनको इस तरह से भी याद रखेंगे ना कि C2S, C3S, मतलब C3A, C4AF, तो ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, वही बेटर है, क्योंकि अगर हर किसी का फॉर्मूला याद करने लगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। कूल्ड क्लिंकर्स को हम क्या करते हैं, दोबारा ग्राइंड करते हैं, फिर उसमें जिप्सम ऐड करते हैं, उसके बाद दोबारा ग्राइंडिंग करते हैं, और उसके बाद में ये जो है एक लास्ट फॉर्मूला सा फॉर्म होके आ जाता है, ठीक है, और लास्ट में हम स्टोरेज करते हैं और पैकेजिंग कर देते हैं। अब इसे बताओ, मुझे किसी को डाउट है तो किल्न प्रोसेस बता रखी है कि भाई किस प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब ये बता रखा है कि किल्न में होता क्या है, ठीक है, कि रॉ मटेरियल एक तरह से आते हैं रोटेटरी किल्न में, हीटेड होते हैं, हीटेड होने के बाद में वो दोबारा नीचे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिंकर फॉर्मेशन होता है, क्लिंकर फॉर्मेशन के बाद हम इसमें जिप्सम ऐड कर देंगे, दोबारा इन्हें ग्राइंड कर देंगे, और ये है, अब अगला है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। अब 2 तरह की सीमेंट होती है, एक तो मैनमेड सीमेंट है, एक नेचुरल सीमेंट है। नेचुरल सीमेंट होगी जो लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन जो होता है चूना, जो डायरेक्ट हम क्ले के साथ मिक्स करके भी बना सकते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट पहले जमाने में यूज होता था, वो होता था नेचुरल सीमेंट, और अब बनाई जाती है आर्टिफिशियल सीमेंट और पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट क्या है, पोर्टलैंड एक जगह का नाम है जहां उसकी वजह से ये सीमेंट का नाम पोर्टलैंड सीमेंट दिया गया है। जो पोर्टलैंड सीमेंट है, जो मैनमेड सीमेंट है, वो बहुत ज्यादा एडहेसिव होती है और कोहेसिव प्रॉपर्टीज होती है, जो खुद के पार्टिकल्स है वो भी ज्यादा अच्छी तरह से चिपकते हैं, और जो दूसरे पार्टिकल्स को चिपकाना होता है वो ज्यादा बेटर चिपकते हैं, ठीक है, ये बाइंडिंग मीडियम है,
है। और फंक्शन क्या होता है सीमेंट का, कि कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को बाइंड करना। और कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट का मेन पर्पस होता है जो वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कोर्स एग्रीगेट के अंदर या पूरे मिक्सचर के अंदर है, उसे फिलअप करना। अब हमें बताया आर्टिफिशियल सीमेंट भी अलग अलग तरह की है। ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो हम बेसिकली हर जगह यूज होती है, वो ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट घर बनाने में कहीं पे भी। ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, मतलब जो अपनी स्ट्रेंथ जल्दी गेन करे, वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब लो हीट सीमेंट जिसमें C2S कंटेंट ज्यादा होगा और C3A कंटेंट कम होगा, वो सीमेंट क्या होगी, लो हीट सीमेंट। उस सीमेंट का मेन पर्पस क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा लेट सेटल आउट करती है, ठीक है। पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट, पोजोलोना एक तरह का वेस्ट मटेरियल जो हम उसमें ऐड करते हैं, इसमें फ्लाई ऐश भी हो सकता है, ठीक है, और उसमें सिलिका ऑक्साइड भी ऐड करते हैं, तो पोजोलोना वो है, पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट। अब स्पेशल सीमेंट क्या होती है, क्विक सेटिंग सीमेंट जो बहुत जल्दी सेट हो जाती है। हाई एल्यूमिना सीमेंट में क्या होगा कि भाई बहुत जल्दी वाटर के साथ रिएक्शन होगा और बहुत जल्दी ये भी सेटल होगी और हार्डन हो जाएगी। ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट क्या होता है, ये भी एक फ्लाई ऐश का ही पार्टिकल्स है जो उसमें डालते हैं। फर्नेस के जो भी, मतलब जब कोल हीट करा जाता है तो उसमें क्या होता है, बहुत तरह के वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, तो उससे जो वेस्ट मटेरियल निकल के जो सीमेंट बनाती है उसे बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट, इसमें CaCl2 ऐड किया जाता है सीमेंट में। वाइट सीमेंट जिसमें लाइम की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, वो व्हाइट सीमेंट होगी। कलर्ड सीमेंट जिसमें कलर प्रोवाइड करा जाता है। एक्सपांडिंग सीमेंट जो सीमेंट एक्सपांड करती है। अब सुपर सल्फेट सीमेंट, मतलब इसमें सल्फेट कंटेंट होता है, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। तो मतलब ये मेन सीमेंट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। ये IS कोड के रेस्पेक्ट में मेन पोर्टलैंड सीमेंट जो होती है वो तीन ग्रेड की होती है, एक 33 होती है, एक 43 होती है और एक 53 होती है। मतलब यहाँ पे 33 रिप्रेजेंट कर रहा है 28 डेज पे उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 43 की 43, 53 की 53, ठीक है। और ये अलग अलग कोड बता रखे हैं IS कोड जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस टाइप की सीमेंट को। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज बताई हुई है अलग अलग तरह की सीमेंट की, ठीक है। सबसे पहले ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC, OPC में जो अपन ने हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे हैं कि मतलब जिसे जिसमें लाइम जो है 60-70% के बीच में होता है, या फिर सिलिका ऑक्साइड 15-20% के बीच में होता है, वो सेम ये एकदम ऑर्डिनरी है, मतलब इसमें बाकी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। कोड में कोड कोड के बेसिस नहीं है, मतलब जो हर तरह की सीमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज है जो है वो इन कोड्स में डिफाइंड होती है, ठीक है, कि ये सीमेंट जो है इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, किस कॉन्स्टिट्यूएंट को ज्यादा बढ़ाने से रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनेगी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मतलब फाइननेस कितनी होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, सेटल टाइम क्या होता है, इनिशियल सेटल टाइम होता है। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो तुम अभी पढ़ोगे तो सीमेंट की वो थोड़ा पता चल जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। जो भी सिंपल सीमेंट का फॉर्मेशन होता है वो OPC होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। उसके तीन ग्रेड होती है, 33, 43 और 53, ठीक है। अब अगला है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग के नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई जो सीमेंट जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ गेन कर जाए, मतलब अब मैं ऐसी सीमेंट बनाना चाहता हूँ कि जो जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर जाए, तो मैं C3S कंटेंट ज्यादा दूंगा। C3S क्या, अर्ली स्ट्रेंथ गेन करने के लिए होता है। C2S को मैं कम रखूंगा, ठीक है। जैसे दिस सीमेंट इज मच सिमिलर टू OPC एज द नेम इंडिकेट, इट अटेन्स इज स्ट्रेंथ एट मच रैपिड रेट। तो मच रैपिड रेट को अटेन करनी है मेरे को, मतलब तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ अचीव्ड बाय हायर कंटेंट ऑफ C3S। C3S का क्या होता है, हायर कंटेंट ज्यादा होगा उसमें और C2S का कंटेंट कम होगा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मतलब क्या होगा, C3S का कंटेंट और ज्यादा होगा।
अब मुझे बताओ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कहाँ यूज आएगी, कोई तो बताओ। पानी वाली जगह पे अंडर वाटर। वैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आती है कोल्ड कंडीशंस में ज्यादा यूज, वहां जल्दी सेटलिंग। देखो एक सेटलिंग और स्ट्रेंथ गेन करना दोनों बहुत अलग अलग चीज है, ये हमेशा याद रखना। पानी वाली जगह में सेटलिंग जल्दी चाहिए, ठीक है, और जो कोल्ड कंडीशन होती है वहां पे जो स्ट्रेंथ बहुत जल्दी गेन करनी चाहिए। तो एक्स्ट्रा ये जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, अब अल्ट्रा हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट, ये भी एक तरह की सेम सीमेंट है जो अपनी स्ट्रेंथ जल्दी गेन करती है। अब सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, अब मुझे बताओ सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट कहाँ यूज होगी, इसके बारे में हमने देखा था पिछली बार बात करी थी। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट जहां यूज होगी जहां पानी में सल्फेट कंटेंट बहुत ज्यादा है, सीवेज सीवर पाइप जो बनते हैं, उसके बाद में जो पोर्ट्स बनेंगे, ठीक है, वहां पे। अब अगली ये मतलब इसमें क्या होता है कि C3A with gypsum forms calcium sulfur aluminate and causes expansion, ये आपके लिए है नहीं वैसे, अगर ये पढ़ते हैं ना अगर डीप में तो ये पता चलता है कि अगर सल्फेट कंटेंट, हमने देखा था कि अगर सल्फेट कंटेंट ज्यादा होगा तो अनसाउंडनेस जो है प्रोड्यूस करता है किसी भी सीमेंट में, मतलब एक्सपांशन होता है। तो अगर C3A कंटेंट, अगर सल्फेट अगर किसी भी सीमेंट में ज्यादा हो गया तो सीमेंट क्या करेगी, एक्सपांड करेगी, और एक्सपांड करेगी तो क्या होगा उसमें क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, और क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाएंगे तो सीमेंट कोई काम की नहीं रहेगी क्योंकि उसकी जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट कहाँ यूज होगी, जहाँ पे इसका सल्फेट अटैक हो सके, मतलब सबसे पहले मैरीन कंडीशन में, सीवेज ट्रीटमेंट वर्क्स में, और जहाँ सोयल जहाँ सल्फेट बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट कहाँ यूज होती है। अब एयर एंट्रेनिंग सीमेंट, एयर एंट्रेनिंग सीमेंट का मतलब होता है इसमें एक्स्ट्रा एयर ऐड करी जाती है। एक्स्ट्रा एयर ऐड करने से क्या होता है कि इसके अंदर है ना जो है क्या होता है कि इसके अंदर जो है ना कॉन्क्रीट ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन दो तरह की ये वाली चीजें नहीं होती, और इसमें बेटर वर्केबिलिटी आती है क्योंकि क्या होता है कि एयर ही प्रेजेंट होती है, तो क्या होगा कि आप बहुत आसानी से जो है लो सीमेंट रेशियो पे, लो वाटर सीमेंट रेशियो पे बहुत आसानी से काम कर सकते हो, ठीक है। और जिसमें एयर, जैसे अब आपने हीट इंसुलेशन पढ़ी होगी भाई, कैविटी वॉल देखी होगी, कैविटी वॉल में क्या था कि भाई जो है ये हीट है ना बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, साउंड इंसुलेटर भी होती है, उसी तरह से ये सीमेंट भी होगी जो आपको गायब हो जाती है। ठीक है, मतलब दिस सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स विद ओपीसी, ठीक है, मतलब इसमें एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट, एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स प्रोवाइड करे जाते हैं जिससे हमें एयर इसमें एयर की एंट्री हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि मतलब बहुत सारे बबल्स फॉर्मेशन होते हैं छोटे छोटे एयर के, पूरी जो सीमेंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि भाई एयर प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि जो इसमें क्या होगा कि एक हीट इंसुलेशन, ठीक है, और क्या होगा कि जो आपका एक्स्ट्रा मटेरियल है वो भी यूज नहीं होता, लेकिन इस जो कॉन्क्रीट की जो सीमेंट बनेगा, कॉन्क्रीट बनेगा, इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसके अंदर एयर ही प्रेजेंट है तो आप बहुत आसानी से इसको मिक्स कर सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा ना सैंड होगी, ब्लीडिंग क्या होता है कि भाई जो अगर आपने पानी ज्यादा डाल दिया तो पानी उसमें एक्स्ट्रा ओवरफ्लो होने लग जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं ब्लीडिंग, मतलब एक्सेस फ्लो ऑफ वाटर होने लग जाए किसी जो आपने कॉन्क्रीट बनाई है। सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं एक तरफ सेटल डाउन होने लग जाते हैं, ठीक है, और जो है पानी है वो ऊपर आना शुरू कर देता है। एक तरह से ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन एक तरह से
सेम ही तरह का काम होता है कि एक में पानी का ऊपर आना और एक में एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर देना, जिस कारण में वो पानी का फ्लो हो जाना। मतलब उसके बाद है कलर्ड सीमेंट और व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट में क्या होगा, जिसमें लाइम कंटेंट बहुत ज्यादा हो। कलर्ड सीमेंट क्या होगा, जिसमें हम कलर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगला है हाई एल्यूमिना सीमेंट। ठीक है, हाई एल्यूमिना सीमेंट में क्या करेंगे, हम एल्यूमिनियम कंटेंट जो है वो ज्यादा रखेंगे। ठीक है, अब एल्यूमिनियम कंटेंट ज्यादा रखने से क्या होगा कि तो रैपिड हार्डनिंग होगी। ठीक है, क्योंकि मतलब ये पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करेगी। अगला है ब्लास्ट मैन्युफैक्चर्ड स्लैग सीमेंट। ब्लास्ट मैन्युफैक्चर्ड स्लैग सीमेंट क्या होती है कि इसमें क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस का स्लैग, मतलब जो चिमनीज होती है उसका स्लैग, मतलब उसका कचरा। तो ठीक है, जब अपन कोल हीट करते हैं ना, तो उसके बाद में जो थर्मल पावर प्लांट है वहां से एक स्लैग मिलता है, मतलब जो हवा में जो कोल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो जो उड़ते हैं ना, उनके हिसाब से ब्लास्ट जो स्लैग होता है, वो जो कचरा, उनको मिला के हम सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं। ये सीमेंट से क्या होता है कि इसमें जो है ना C2S कंटेंट जो होता है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो मतलब जो क्या होगा कि इसमें जो अर्ली डेज स्ट्रेंथ गेन होती है ना, वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अर्ली स्ट्रेंथ गेन कम हो जाएगी तो रिक्वायर लॉन्गर ड्यूरिंग ऑफ क्योरिंग। ठीक है, और अगर C3S कंटेंट कम होगा तो हीट जो प्रोड्यूस होगी, जो वाटर के साथ रिएक्शन होगी, वो स्टार्टिंग के डेज में बहुत कम होगी, तो हीट प्रोड्यूस ही बहुत ज्यादा कम होगी। ठीक है, लो हीट सीमेंट मतलब क्या होगा कि मैं C3A कंटेंट कम कर दूंगा और C3S कंटेंट भी कम कर दूंगा और C2S कंटेंट बढ़ा दूंगा। इस तरह से पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट है। पोर्टलैंड पोजोलोना पोजोलोनिक मटेरियल जो मतलब क्या होते हैं, जिसमें सिलिका होता है प्रेजेंट। ठीक है, हम वो ऐड करते हैं, जैसे फ्लाई ऐश है, कैल्साइन क्ले है। ठीक है, इससे क्या होता है तो हम जो सीमेंट होती है ना, उसे उसको रिप्लेस कर देते हैं इन मटेरियल से। और इन मटेरियल से क्या होता है कि जहां पे भी हमें जैसे मास कॉन्क्रीटिंग वर्क होते हैं, ये सेम तरह से एक तरह से इसकी तरह ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट की तरह, इसमें भी स्टार्टिंग की स्ट्रेंथ जो गेन होती है वो कम होती है। ठीक है, जिसकी वजह से मास कॉन्क्रीटिंग वर्क, जहां पे भी आपको मतलब कॉन्क्रीटिंग बहुत लंबे समय तक करनी है, जैसे डैम फॉर्मेशन, ब्रिज फॉर्मेशन, तो मतलब जो हीट जो इनकी होती है ना, कि मतलब जो हीट जो ये मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, ये बहुत ज्यादा कम होती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि जब सीमेंट जो है वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हीट रिलीज करती है। तो हमें पता है C3A और C4AF जो क्लिंकर जो है वो बहुत ज्यादा हीट रिलीज करते हैं, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, साथ में C3S की कॉन्सेंट्रेशन भी कम होती है। इस तरह से ऑयल वेल सीमेंट है, क्विक सेटिंग सीमेंट है। अब क्विक सेटिंग सीमेंट है तो क्विक सेटिंग सीमेंट में हम क्या करेंगे, जिप्सम की क्वांटिटी रिड्यूस कर देंगे। जिप्सम की क्वांटिटी रिड्यूस करने में जिप्सम क्या काम करता है, सेटलिंग टाइम को इंक्रीज करता है। सेटलिंग टाइम, अब जिप्सम हटा दिया तो सेटलिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है इसका, क्विक सेटिंग का 5 मिनट्स। अब अलग अलग फिजिकल रिक्वायरमेंट दे रखी है, या अलग अलग कंपनीज की ये बता रखी है कि भाई यहाँ यहाँ कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इसकी इतनी है, उसकी उतनी है। सबसे ज्यादा बता रखी है ACC की है। ठीक है, अब सबसे पहले फील्ड टेस्ट क्या होता है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सीमेंट की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीजें तो आप पढ़ के देख लोगे कि भाई सीमेंट क्या क्या तरह की होती है, वो तो आप टाइप्स है सीमेंट है। ठीक है भाई, सबसे पहले फील्ड टेस्ट क्या होते हैं, तो फील्ड टेस्ट सबसे पहले ये होना चाहिए सीमेंट का कलर क्या होता है। सीमेंट ग्रे से कलर की होती है। ठीक है, अब जैसे ही हम उसको रब करते हैं तो है ना वो स्मूथ फील होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर अपन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट अगर पानी की बकेट में डाल देंगे तो वो सेटल डाउन हो जाती है, मतलब
मतलब जो पान जो सीमेंट की जो ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट थ्रोन इनटू अ बकेट ऑफ वाटर शुड फ्लोट, ठीक है। तो ये तीन मंथ बाद से अलिफ, इसको हम आगे देखेंगे जब हम स्टोरेज और उसके बारे में पढ़ेंगे ना, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, प्लेसिंग ऑफ जो है, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे तरह से बता दूंगा। वैसे क्या होगा कि जैसे जैसे क्या होगा, जैसे कोई भी चीज का टाइम के साथ क्या होगा, उसकी वाटर के साथ जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो जो सीमेंट की जो एडहेसिव जो मतलब जो प्रॉपर्टी होती है, वो धीरे धीरे वो लूज करना स्टार्ट कर जाती है, और 6-7 महीने में वो पूरी प्रॉपर्टीज धीरे धीरे लूज करना स्टार्ट कर जाएगी। और उसमें क्या होता है कि जैसे क्या होता है कई बार तो है ना, उसमें लंप से फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं, मॉइस्चर हो जाता है किसी एयर की वजह से, ठीक है। तो उसकी वजह से वो जल्दी से ब्रेक भी नहीं होती, मतलब वो पाउडर फॉर्म में जो होती है वो सीमेंट वो नहीं रहती। और ये मेन कुछ टेस्ट बताए। अब लेबोरेटरी टेस्ट जो होता है सबसे पहले वो देखते हैं हम। सबसे पहले होता है फाइननेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट का मतलब होता है कि सीमेंट कितनी फाइन है, मतलब कितनी कैसी सीव से वो पास कर सकती है। सीव का मतलब समझते हो, छलनी होती है। तो हम दो तरह से करते हैं, एक तो बाय सीविंग करते हैं और एक बाय डिटरमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया, मतलब उस एक एक पार्टिकल का स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालते हैं, मतलब टोटल सरफेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन 1 ग्राम ऑफ सीमेंट। ये होता है स्पेसिफिक।